रूस देश के मॉस्को शहर में कई साल तक मानिन नाम का एक वैज्ञानिक सड़कों पर एक प्रयोग करता रहा है। वह आपके पीछे चुपके से जाकर कहेगा कि आपकी गर्दन पर कीड़ा चल रहा है। वह अपने मन में यह बात कहता था कि गर्दन खुजला रही है, खुजलाओ जल्दी, और लोग अपनी गर्दन खुजलाने लग जाते थे। उसने हजारों लोगों पर यह प्रयोग किया है। राह के चौराहे पर खड़े होकर, होटल में बैठकर, ट्रेन में चढ़कर और यहाँ तक कि बस में भी। और मानेन इतना सफल हुआ है कि 99% सही होता है। जिसके पीछे खड़े होकर वह भावना करता है कि गर्दन खुजलाओ, कीड़ा चल रहा है, जल्दी खुजलाओ, और वह आदमी सचमुच में अपनी गर्दन खुजलाने लग जाता है। अब तो लोगों को पता चल गया है कि सच में भी अगर कीड़ा चल रहा हो फिर भी लोग पहले देख लेते हैं कि वह मानेन नाम का आदमी उनके आसपास तो नहीं है। जब से मानेन का प्रयोग सफल हुआ है तब से मस्तिष्क के बारे में एक नई जानकारी मिली है, और वह यह कि मस्तिष्क सामने से जितनी शक्ति रखता है उससे चौगुनी शक्ति मस्तिष्क के पीछे के हिस्से में है। तो पीछे से व्यक्ति को जल्दी प्रभावित किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है। सामने सिर्फ एक हिस्सा है, चार गुना पीछे है। और इंसानों के मस्तिष्क के अध्ययन से यह पता चला है कि इंसान का मस्तिष्क पीछे से 50 गुनी शक्ति से भरा हुआ है। सामने एक तो पीछे 50 गुना। मनुष्य का असली मस्तिष्क पीछे छिपा पड़ा है, और जब तक वह सक्रिय नहीं होता तब तक मनुष्य अपनी पूर्ण गरिमा को उपलब्ध नहीं होगा, यानी वो बुद्ध नहीं बन सकता, उसे आत्मज्ञान नहीं हो सकता। यदि आप कोई बुरा विचार करते हैं, आप मस्तिष्क के अगले हिस्से से करते हैं। मस्तिष्क का प्रत्येक हिस्सा अलग अलग काम करता है। अगर आपको किसी की हत्या करना है तो उसका विचार आपके मस्तिष्क के ऊपरी यानी सामने के हिस्से में चलता है, और अगर आपको किसी की सहायता करनी है तो उसका विचार पीछे के हिस्से में चलता है। प्रकृति ने इंतजाम किया हुआ है, शुभ की ओर आपको ज़्यादा शक्ति दी हुई है और अशुभ की ओर कम शक्ति दी हुई है, लेकिन शुभ जगत में दिखाई नहीं पड़ता और अशुभ जगत में बहुत दिखाई पड़ता है। हम शुभ की कामना नहीं करते, या अगर हम कामना भी करते हैं तो हम तत्काल विपरीत कामना करके उसे खत्म कर देते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए लंबा जीवन जीने के लिए कितनी कामना करती है, तो जुग जुग जिए, तुझे मेरी उम्र भी लग जाए, लेकिन किसी क्षण गुस्से में आकर बोल देती है, तू तो होते से ही मर जाता तो अच्छा था। उसे पता नहीं है 6 बार उसने कामना की शुभ की और 1 बार अशुभ की, तो उसी क्षण सब खत्म हो जाता है और उसी क्षण सब कुछ कट जाता है, सारी मंगल कामना। इसलिए आपको जो भी विचार करना है सोच समझ कर कीजिए। इस पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं, मेरी पिछली वीडियो को देखिए, आप सब समझ जाएंगे।